गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है अवि और आप देख रहे हैं एडवेंचरस अवि। आज का ब्लॉग काफी अलग होने वाला है क्योंकि आज हम जा रहे हैं अपना ऑटो एक्सपो 2023 में और वहां पे हम जाके देखेंगे बहुत सारी अलग अलग गाड़ियां बाइक के जो नई नई लॉन्च होने वाली है वो सारी देखेंगे। और वो हो रहा है आज अपना ग्रेटर नोएडा में और आज आखिरी दिन है। सारा कंटेंट रिकॉर्ड करूंगा और आपको दिखाऊंगा। सौरभ नीचे खड़ा है और ईपी भी, तो उनके साथ जा रहा हूँ। तो चलो चलते हैं फिर आपको दिखाता हूँ। अभी ऑडी पर आगे कौन बैठेगा? ये बच्चे लड़ेंगे मुझसे, आजकल के बच्चे आ रहे। चलो गाइस ये दोनों भी आ गए, ये रहा मैं। ओए पहले वाइपर बंद करके आगे का करिए सौरभ, आगे वाले नहीं बंद करते। जाना वो ये तो बिजली का दरवाजा बिना देखे खोल दिया। यस ही मरवाएंगे गाइस। तो चलो गाड़ी में आ चुके हैं, अब चलते हैं जल्दी से। रास्ते में कुछ होता है तो दिखाता हूँ, वरना तो वहीं चल के दिखाता हूँ आपको सारा सामान। चलो बाय गाइस। से बाहर गया था गाइस, ही आगे गया था अपना वाइपर बंद करने, देख लिया उन्होंने, बेचारा आके बैठ साला बंगी जा। देखो कैसे कुत्तों की तरह करता है, हाथ ही छील दिया पूरा मेरा। देख लो भाई आगे के लिए इतनी कौन लड़ता है भाई। चलो भाई चलते हैं, चलो गाइस। अब यहाँ पेट्रोल डलवाने रुका हूँ, गाड़ी का थोड़ा ब्लिंक मार रहा है, दो डंडी थी अभी डलवा रहा हूँ 500 का, बाकी आगे देखते कितने का और लगता है। देखो हाँ भाई सौरभ इधर तो देख, हो गया भाई हो गया। चलो गाइस पेट्रोल डल गया, पैसे दे दी। चलो गाइस चलते हैं। गाइस यहाँ जाम देखो कितना है, ऊपर पुल पे भी बहुत ज्यादा जाम है और यहाँ पे भी बहुत ज्यादा जाम है। पेट्रोल डलवा दिया, दिखा तो भाई 55 मिनट दिखा रहा था, एक घंटा हो गया। आगे कर कितना बड़ा जाम है, ओले छे तक है, हाईवे तक ही है तो कट तक भाई इसको जाने में इतना टाइम लग जाएगा। चलो ग्रीन लाइट, ग्रीन हो गई। चलो 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 जल्दी चलो, कुछ फायदा नहीं है पुल उतरते ही, पुल ऊपर चढ़ना है क्योंकि पुल ही आएगा सीधा और कोई सा रास्ता ही नहीं आएगा। चलो गाइस ये देखिए पुल यहाँ पे खत्म हो गया, वापस पुल ही जाना ऊपर। अभी मैं आपको चलो दिखाता हूँ रास्ते में कुछ होता है तो, वरना तो अभी जाम ही है, कुछ है नहीं दिखाने को। तो चलो तो गाइस अब हम आ चुके हैं ऑटो एक्सपो और बस गाड़ी पार्किंग करने की जगह देख रहे हैं, तो वहाँ गाड़ी पार्क करते हैं और फिर आपको दिखाता हूँ। गाइस अभी हम गेट नंबर 3 से अंदर जा रहे हैं और चलो जल्दी से चलते हैं क्योंकि टाइम कम है हमारे पास, जगह ज़्यादा है। चलो चल जल्दी चल। चलो गाइस तो गाइस अभी हम आ चुके हैं, टिकट ले ली थी हमने वहाँ से और ये रहा अपना ऑटो एक्सपो। तो जल्दी से अंदर चलते हैं और बढ़िया बढ़िया गाड़ी देखते हैं और आपको दिखाते हैं। चलो हम अंदर आ चुके हैं और यहाँ पे हुंडई का लगा हुआ है स्टॉल, और मैन दैट्स ऑल द क्विक राउंड ऑफ इंट्रोडक्शन सर, यहाँ कुछ चल रहा है और तो दो भी गाड़ी है, पोर्शे पोर्शे नहीं है हुंडई है, हुंडई के पोर्शे दिख रही है भाई पीछे से। देख लो गाइस तुषार चौहान इलेक्ट्रिक है हुंडई, क्या लग रही है भाई। इंटीरियर यहाँ से दिखाने की कोशिश करता हूँ, तू पीछे आ जा चौहान साहब बैठे अंदर, जोके बहुत लग्जरी लग रही है। कलर चेक करो, फ्रंट चेक करो, बहुत तगड़ी लग रही है। अभी चलो हेलो, यहाँ पे भी कोई खड़ी गाड़ी, ये भी हुंडई की है। छोड़ो अपने को तो गाड़ी और बाइकों से मतलब है, यहाँ तो इतना कुछ बढ़िया है नहीं, मजा नहीं आ रहा। ये कलर बहुत सेक्सी लग रहा है, कलर चेक करो एक नंबर। अभी अपन आगे चलते हैं
गाड़ियों में तो बढ़िया एक मेरे को वही लगी हुंडई वाली पता थी ना उसकी, मेरे को लगा पोर्शे खड़ी हुई है, आगे जाके देखा हुंडा भाई क्या पोर्शे जैसी लुक वाली गाड़ी। हाँ हुंडा ने वो गाड़ी तो बड़ी तगड़ी निकाली, वो इलेक्ट्रिक थी गाड़ी। यहाँ पे खाने पीने का स्टॉल लगा है, अपने को कहाँ जाना है? अगले वाले में ना, अगले में चलते हैं। चलो यहाँ देखते हैं यहाँ पे क्या सिस्टम है। सो गाइस ये नई गाड़ी आई है, इसका नाम है BYD, देख सकते हैं BYD नाम है। अरे थोड़ी सी गाइस यहाँ पे और भी कंपनी, इस कंपनी की मतलब और भी गाड़ी है इस कंपनी की, आपको दिखा देता हूँ एक बार। देखो भाई मतलब भाई इंडिया में तगड़ी तगड़ी गाड़ी आ रही है, वो चेक करो। हाँ थोड़ा आगे से दिखाता हूँ आपको। ये तो भाई गाड़ी है, एक नंबर है गाइस। एक बार आपको वो इलेक्ट्रिक गाड़ी भी दिखाता हूँ, ये ईवा की है कोई, चेक करो कितनी क्यूट गाड़ी है। मतलब प्राइस क्या होगा? प्राइस अब तो लॉन्च थे बस, जो ज़्यादा डिटेल्स हमारा वो बंदा बैठा है। एयरबैग है गाइस, ये गाड़ी 3-सीटर है और भीड़ ज़्यादा तो अच्छे से दिखा नहीं पा रहा, बट हाँ 3-सीटर गाड़ी है ये। गाड़ी बहुत तगड़ी है गाइस। क्या नाम है इसका? ऑटो, ऑटो नाम है। गाड़ी है गाइस एक नंबर, मेरे ख्याल से ये इलेक्ट्रिक है क्योंकि इसमें आगे चार्जिंग का दे रखा है, पेट्रोल का आगे नहीं देते वैसे, बट क्या पता दे भी सकते भाई। चलो और कोई गाड़ी होती है तो वो दिखाता हूँ गाइस, ये गाड़ी चेक करो एक बार। और आगे चलते हैं, वो दोनों तो पता नहीं कहाँ है, दिख ही नहीं रहे। गाइस ये बाइक चेक करो, लिखा इस पे डू नॉट टच, तो हम ऐसी वीडियो बना रहे हैं, मतलब एक प्रोटोटाइप है शायद, मतलब ये लोग और भी चीज़ें पड़ी हैं ऐसी। ये अपना है अध्यापु स्कूल ऑफ डिज़ाइन, मतलब डिज़ाइनिंग के लिए है ये। मिल गए दोनों, और ये सारा अपना किया का है, क्या बना रखा है किया ने, नहीं आया कॉपीराइट आएगा तो देखी जाएगी। वही तो कह रहा हूँ, बहुत एक नंबर बना रखा किया वालों ने। चलो आपको दिखाता हूँ साइड से कैसी लग रही गाड़ी। गाड़ी आप देख सकते हैं बहुत अच्छी गाड़ी है, आगे देखता हूँ कोई अच्छी गाड़ी दिख गया तो आपको दिखाता हूँ। क्यों नहीं खड़ा कोई, ये एक नंबर गाड़ी है, EV6 टेस्ट करा क्या लग रही है, पीछे से भी एक नंबर लुक। इंटीरियर इसका अगर दिखता है तो आपको दिखाता हूँ बाकी। ये गाड़ी है पुलिस वालों के लिए, ये चेक करो आप, एम्बुलेंस है ये तो, और ये है पुलिस के लिए। दोनों कार नीसी है और बस इनको मॉडिफाई करा रखा है, तो चलो आगे चलते हैं फिर आपको दिखाता हूँ। ये गाड़ी चेक करो एमजी की क्या लग रही है, पोस्टर भी पढ़ लेना गाइस। 2-सीटर गाड़ी, मतलब 3-सीटर है मेरे ख्याल से, बट एक नंबर है। चलो आगे चल के देखते हैं और कौन कौन सी गाड़ी एमजी में, ये एमजी का सारा। ये कौन सी है, इलेक्ट्रिक है ये, नाम क्या है हटना भैया यार, मार्वल आर, फ्यूचरिस्टिक गाड़ी होती है इलेक्ट्रिक तो।
साइड से भी एक नंबर लग रही है। ग्लॉस्टर तो देखी भी है आप लोगों ने, भी देख रखी होगी कुछ ऐसे। क्यों नहीं गाड़ी दिखती है तो दिखाता हूँ आपको। ये देखो ईवी एक और, पर इसका बैच कैसा है? इसका बैच अलग है बट है ये एमजी की ईवी है, बहुत एक नंबर गाड़ी। क्या करते रहते लोग यहाँ आके पागल थी के। ये तो i20 जैसी लग रही है हाँ, बट अंदर से एक नंबर है, आपको दिखाता हूँ। पूरी इलेक्ट्रिक है, टाटा का वहाँ पे भी चलेंगे अभी। ये नई MG एक्टर जो आई है नई वाली, क्या ग्रिल है भाई MG एक्टर की। आप लोगों को तो पता ही है मेरे पास भी एक MG एक्टर है, मतलब हमारी फैमिली में ही है। और इसकी नई ग्रिल बड़ी सेक्सी है यार। सौरभ पीछे से भी ओ भाई, पीछे की लाइट एक नंबर लगा दी है। एक नंबर सेडान ब्रिटिश चेक करो, इलेक्ट्रिक है। लेफ्ट साइड ड्राइव है, मतलब बाहर के देश के इंपोर्ट कर रखी है। लेफ्ट साइड है उसका, वो देखो स्पॉइलर कितना सेक्सी, एक नंबर भाई। गाइस अब हम आ चुके हैं टाटा पे, इसका नाम है कर्व, बट आज अलग सा ही कलर है, पिंकिश है, थोड़ा रेडिश भी है, पर बहुत सेक्सी लग रही है भाई। बैक दिखाता हूँ आपको एक बार, इसकी उरुस जैसी लग रही है, ज़्यादा बोल रहा हूँ पर हाँ लग रही है, एक नंबर गाइस। अभी आगे चलते हैं, ये सफारी है क्या है ये? ये तो कर्व हो गई, भीड़ इतनी है क्या बताऊं। सो गाइस ये ईवी गाड़ी है, सियारा, एक नंबर लग रही है। और ये अपनी हैरियर ईवी है, ये अपनी हैरियर ईवी है, एक नंबर। गाइस मेरे को आगे स्पोर्ट्स कार दिख रही है, स्पोर्ट्स से पता नहीं क्या है, चलो दिखाता हूँ आपको। भाई एक नंबर गाड़ी है यार, काफ़ी फ्यूचरिस्टिक कार है अपना। और आगे दिखाता हूँ आपको। और गाइस अभी हम आ चुके हैं सुजुकी के अंदर, और ये खड़ी हमारे आगे जिम्नी, आपको दिखा देता हूँ जिम्नी। गाइस बहुत ओके लग रही है सामने से, तो फोटो वीडियो में इतनी अच्छी नहीं लग रही थी, फ्रंट इतना अच्छा नहीं लगा, बट साइड से बैक से एक नंबर है। चलो आगे दिखाता हूँ आपको। गाइस ये गाड़ी चेक करो, EVX इसका नाम। गाइस गाड़ी देखो, गाड़ी सिर्फ चलो इसका भी फ्रंट देख लो गाइस, छोड़ उधर विंटेज कार है, एक नंबर लग रही है भाई, सब कुछ छोड़ो, वहां पे विंटेज कार है अपनी लेक्सस ने, ना विंटेज कार डाल रखी है। चल चलते हैं, चलो गाइस चलते हैं, देखो भाई एक नंबर की फोटो आई। चलो गाइस चलते हैं, गाइस ये चेक करो विंटेज गाड़ी, ये गाड़ी पापा के पास वो वाली ना, हां चलो चलो, ये तो वैसे एम्बेसडर जैसी लग रही है। और आगे की और दिखाता हूं, आगे ये सारी गाइस विंटेज कार है। आगे मर्सिडीज है,
ये वाली मर्सिडीज है। तो चलो आगे और चीजें दिखाता हूँ। गाइस यहाँ पे गाड़ी है, यहाँ पे इन पूरी लाइन जा रही है साइड को देखने के, मैं आपको यहीं से दिखाने की कोशिश करता हूँ। एक नंबर लगे गाइस। तो चलो यहाँ तो लाइन में लगने का इतना टाइम नहीं है हमारे पास, आगे और गाड़ी होंगी वो भी दिखाता हूँ। एक नंबर लग रही है गाइस गाड़ी, ये भी ये मेरे ख्याल से पेट्रोल नहीं है, इलेक्ट्रिक है। बाकी चलो ये रहा सौरभ, हाँ चलो आगे चलते हैं लेक्सस में देखते क्या है। ऐसे देखो किससे बना रखी है, पूरे जो हार्ड ड्राइव नहीं है वो है, जो अपना वो होता है मदरबोर्ड से बनाई हुई गाड़ी है, पूरी क्राफ्ट वाली गाड़ी है सारी। ये विंटेज कार को थोड़ा वो कर रखा है पेंट वगैरह, मेरे को पता ये चलती तो होगी नहीं, ये भी नहीं चलती होगी, ये बड़ी सही लग रही है लेकिन बबल गम गाड़ी। और ये अपनी नैनो है, ऐसा लग रहा है किसी ने उल्टी कर दिया। ये गाड़ी चेक करो, एक नंबर गाड़ी है। और चलो आगे चल के फिर आपको और दिखाता हूँ। गाइस ये हिलक्स मॉन्स्टर ट्रक, पूरा मॉन्स्टर ट्रक है। टायर चेक करो गाइस, एक नंबर, पूरी ऑफ रोडिंग की है गाड़ी, एक्सट्रीम ऑफ रोड कॉन्सेप्ट हिलक्स, एक नंबर लग रहा है। चलो और दिखाता हूँ। ये अपनी मज़राटी है और ये बेंटले है, ये पोर्शे है और आगे वाली पोर्शे है, बॉक्सर है क्या है पता नहीं, बट हाँ ये दोनों भाई अपनी पोर्शे और ये मज़राटी और ये अपनी बेंटले। चलो आगे और दिखाता हूँ। अच्छा जी वो तो देखी नहीं, वहाँ लगी है अपनी जी वैगन। चलो जी वैगन वहीं से दिखाता हूँ। वैगन V8 AMG, इंटीरियर देखो, सीट कवर ही दिख रहे, बस थोड़ा यहाँ से इसकी लुक दिखाता हूँ आगे से। एक नंबर लग रही गाइस। चलो सौरभ पांगो से लेते हैं फिर चलते हैं। यहाँ पे कार्बनाडो के बैग्स हैं, बहुत ओके ओके डिजाइन के साथ, और भी सारे बाइक्स की वो लगी हुई है एग्जीबिशन, वो भी देखता हूँ क्या क्या है यहाँ पे, एक एक करके आपको सारी चीज़ें दिखाता हूँ। चलो गाइस यहाँ पे बाइक एक्सपो पे मिल रहे हैं, यहाँ पे छल्ले तगड़े तगड़े, एक बार अपने लिए भी देखता हूँ। ये पता नहीं कहाँ गए, इधर मेरे को अपनी बाइक के लिए छल्ला देखना है। चलो देखता हूँ, देखना ड्रैगन बॉल सी क्या है, जरा अपनी बाइक के लिए गाइस हमारा भाई ये ले रहा है, ये बैच है, ये KTM का बैच है और 30 रुपये का है, तो ये ले लेता हूँ। और अभी मैं छल्ला देगा, छल्ला तो है नहीं KTM का ढंग का, ये ऐसे इस क्वालिटी में है, रबड़ में चाहिए था मुझे। चलो गाने चल रहे हैं, जल्द से कॉपीराइट आ जाएगा। सो गाइस अभी हम आए हैं हॉल नंबर 8 में, ये रही हमारी RX 100 और ये रही BMW UB350, सारी विंटेज बाइक्स हैं, बढ़िया बढ़िया बाइक्स हैं। ये भी है, ये भी विंटेज बाइक्स है। अब चलो मैटर पे चलते हैं फिर देखते हैं इनका क्या मैटर है। अच्छा ये इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं सारी, लुक वाइज गाइस एक नंबर बाइक है। इसकी TFT मेरे को दूर से देखने पे वैसी लग रही थी जैसे कि अपनी उसमें TFT 90 में आपको नहीं दिख रही होगी, बट हाँ वहाँ पे है। और ये अपनी है सेम बाइक और ये अपना मैटर में है, इनकी एक ही बाइक दिख रही है मेरे को, ही दो हैं बट ये सारी इलेक्ट्रिक है, कोई वैसी बाइक नहीं है, कलर एक नंबर है। चलो आगे और कोई बाइक आई थी वो भी दिखाता हूँ। गाइस ये नई कंपनी है टॉर्क मोटर, ये देखो आप कैसी लग रही है बाइक, जल्दी बताओ। ये भी मेरे को, हाँ ये भी अपनी इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रिक बाइक से आप TFT चेक करो यार, बस सबके अंदर एक से एक TFT आ रखी है। और यहाँ पे से सारे कलर्स खड़े हैं आप देख सकते हैं, एक से एक मतलब एक ही बाइक दिख रही है, उसी के सारे कलर हैं। यहाँ से आपको दिखा देता हूँ अच्छे से, कुछ में ऐसे मिले हैं देखो गाइस, इलेक्ट्रिक बाइक है भी भाई, इलेक्ट्रिक बाइक से लुक्स कितने
जेन्युइन हो गया देखो, एक नंबर भाई। चलो आगे और दिखाता हूँ आपको। ये गाइस चेक करो, ये थोड़ा प्रोटोटाइप जैसा लग रहा है फिनिश के हिसाब से। ये चेक करो रिवॉर्ड, आगे से देखो, ये भी इलेक्ट्रिक है, इसमें एक ये भी कलर है और एक ये अपनी। गाइस यहाँ मैं आया हूँ जन्नत में, ये है मेरे टाइप की जगह, एक से एक बाइक्स। वहाँ मुझे कावासाकी की कॉपी दिखाई दे रही है, देखता हूँ क्या है। अच्छा, Z1000 की कॉपी है, Z1000 की कॉपी अपनी उसमें है, इलेक्ट्रिक में कावासाकी Z1000। ओ यहाँ है बाइक कीवी। गाइस कीवी के अंदर बहुत तगड़ी तगड़ी बाइक है, जरा आपको दिखाता हूँ 2 मीटर को। ये देख लो भाई, ये वाली बाइक मैं लेने वाला था, ये अपनी कीवे की है और आगे इसमें और भी है। चेक करो गाइस, एक करके दिखाता हूँ कीवे की। ये देखो कितने छोटे कार है भाई, 700cc की बाइक है और ये अपनी, ये सारी क्रूज़र है। कोई स्पोर्ट्स बाइक होती है तो दिखाता हूँ आपको। ये नेकेड अपनी नेकेड बाइक्स, दो सिलेंडर भी है इन पे, SRX, एक से एक। वो अपनी जो लाल वाली खड़ी है तो अभी मिल ही रही है अपनी, आप ये भी देख सकते हैं। मोरनी भी यहाँ पे और कीवे की बाकी सारी बाइकें भी हैं। एंड गाइस आपको बता दूँ, ये सारा अपना बेनेली का ही ब्रांड है। कीवे भी ये वाली देखो, एक से एक बाइक है। ये चेक करो एडवेंचर, इसकी मेरे को आगे की लुक बेकार लगी, ये अच्छी, इसकी अच्छी है, इसकी एक नंबर है। और यहाँ से तो बंद है, आगे उस साइड से ही दिखाता हूँ आपको। चलो गाइस ये बाइक देखो, ये भी इलेक्ट्रिक है, ये भी इलेक्ट्रिक है। इसे मेरी न्यूज़ में देखा था कि बहुत फास्ट होने वाली है, बट अब मैंने लाइव देखो, बहुत सेक्सी लग रही है भाई। चलो गाइस आपको पता नहीं दिख रही होगी कि नहीं दिख रही होगी, यहाँ पे ये अपनी जोन टेस्ट खड़ी है। मेरे को अभी अंदर जाने का मन नहीं है और शायद जाने भी ना दे मुझे, क्योंकि अब शायद दिन मेकअप करने का टाइम हो चुका है। तो चलो दूर दूर से जितना दिखता उतना दिखा देता हूँ। बट हाँ, बेनेली की जितने भी फ्रेंचाइजीज हैं उन सबकी बाइक है यहाँ पे। ओह गाइस यहाँ पे XBHP भी है, XBHP की सारी बाइक्स हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं। इन्होंने पहले सारी बाइक होल्ड करी थी और अब सबको इस कलर में कर दिया अपना। मैं आपको बताता हूँ कि 2500cc है ना, ये अपने जेट इंजन में लगता है और ये इस बाइक में दे रखा है। ये तो जाके तुम पढ़ सकते हो। एंड गाइस ये भाई अपने, ये अपने यूट्यूबर हैं, इनका नाम याद नहीं आ रहा, आपको फ़ोटो यहाँ लगा दूंगा, यहाँ दिखा दूंगा आपको फ़ोटो। बाकी XBHP। चलो क्या पूछने गए, जेस फिल्म का स्टॉल में सब हमारे पास आ गया। जेस फिल्म वो बता देगा क्योंकि ये भी XBHP जो भी है। अबे खन्ना का दोस्त है वो। नहीं। चलो कोई नहीं, जेस पाजी का तो आज सानी, हमने सोचा था उनसे भी मिल लेंगे, हम उनसे पहले भी मिल रखे हैं। ये देखो दो टायर वाली अवेंजर। गाय की बाइक उनके लिए बनाई गई है जो किसी भी कारण से विकलांग है, या मतलब ये जो नहीं चला सकते, दो टायर वाली बाइक है जिनको पीछे लगवानी पड़ती है, तो उनके लिए इन्होंने बना रखी है आगे दो टायर लगा के, तो भी एक अच्छी चीज़ है। तो चलो यहाँ तो लगभग हो ही गया सारा, चलते हैं गाड़ी में, चलते हैं फिर आपको दिखाता हूँ कुछ। गाइस हमें जज बनाया है, हम बताएंगे यहाँ पे क्या सही है क्या गलत बता रहे हैं। इनको 1 मिनट तक ईवी के ऊपर बोलने के लिए बोला है।
पता नहीं क्यों बोल रहे हैं इनको क्या ही मिलेगा। चले चल जज, इधर हंस कैसे, इधर जज है तू, जज ना जज वापस वापस, अरे वाह वापस वापस, क्या बोल बोल बोल, मैंने कहा इसके भी कौन सा बाल है जो ये कर रहा है। चल यार का लड़का जज है क्या तू, चलो ये चले चटूरे जज जज वो है रोडीज का राघव है भाई, जज बनेगा तू, इतना बड़ा हो गया अब तू, मैंने मना किया है, चल ठीक है तू मना कर रहा, तो चलो यार चलते हैं यहाँ से, थक गया गाइस अभी हम घर जा रहे हैं, हो गया सारा, ये रहे दोनों थके हुए हैं, इसकी पैर की लचक देखो ये भी थक चुका है, ये भी थक चुका है, दिखा भाई शक्ल दिखा 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 दिखा, ऐसे दिखते गाइस गंदी थूत, ये रहा हमारा झंडा, भारत माता की जय। और अभी और अपना शाम का टाइम, तो अब घर चलते हैं। सो गाइस अब हम घर आ चुके हैं और थक गए बहुत ज़्यादा, और ट्रैफिक था रस्ते में, नोएडा से दिल्ली आने में मेरे को 2 घंटे लग गए। और कैसा लगा आपको आज का ब्लॉग कमेंट करके जरूर बता देना, लाइक कर देना आज की वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल एडवेंचर सभी को, मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।